हम खुद मैट्रिक में एक बार फेल किए। और एक चीज और बता देते हैं कि कोई बच्चा कमजोर और तेज कोई नहीं होता, होता है कोई नहीं। अभी हम जिस बैच में मेरा सिलेक्शन हो गया, बहुत सारे ऐसे बच्चे भी हैं, हम मैं खुद आपको बताते हुए मुझे मतलब ये संकोच नहीं होता। अक्सर हम लोग बोलते हैं हम खुद मैट्रिक में एक बार फेल किए थे, बता रहे आपको वाकई में हमने फेल किया। 96 में मेरा मैट्रिक था, तब आपका जन्म भी नहीं हुआ होगा, तो 96 में जब मैट्रिक लिखे थे तो फेल कर गए थे। और पता है किस सब्जेक्ट में फेल किए थे? हिंदी में फेल किए, लेकिन फिर से कोशिश किए हम। और दूसरी बार में जब मेरा हम क्वालिफाई किए तो मेरा मार्क्स भी बहुत ज्यादा नहीं था, सिर्फ 49% आया था। अब सोच लीजिए आज के मार्क्स और उस समय के मार्क्स में कितना अंतर होता है। आज 49 क्या, अभी तो हमको लगता है 80+, 99 तो ऐसे आता है। ये नहीं कह रहे कि बच्चे मेहनत, बहुत मेहनत कर रहे हैं आज के समय। आजकल स्मार्ट स्टडी चल रहा है, आजकल आपके पास रिसोर्सेस है, आपके पढ़ने का तरीके अलग हो गए, आप जो याद कर रहे हैं आपके दिमाग में रह रहा है, आप रिविजन कर रहे हो उसको बार बार। हमारे समय में ऐसा बहुत सारा नहीं था, लेकिन हम मेरी भी गलती रही होगी। तो हमको अगर पढ़ाई कर रहे हो तो पढ़ाई पे ध्यान देना है। मैट्रिक किए, इंटर करने के बाद पढ़ाई छूट गया, 8-10 साल छूट गया पढ़ाई, फिर जाकर के मेरी शादी हो गई तब हम ग्रेजुएशन किए।